बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भले ही फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक लगा चुके हों, बट उनकी फिल्मों की फहरिस्त में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल नया नाम जुड़ा है जॉली वर्सेस जॉली। ये उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी जॉली LLB का तीसरा पार्ट है। इससे पहले इसके पहले पार्ट में अरशद वारसी ने त्यागी का रोल किया था जो कि जॉली थे, दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने किया था और तीसरे पार्ट की खास बात यह है कि दोनों जॉली इस बार फेस ऑफ कर रहे हैं, यानी वर्सेज होगा आमने सामने जॉली वर्सेज जॉली का, यानी दो वकील एक ही कोर्ट रूम में फैलाएंगे पूरी तरह से पॉलिटिकल सियापा। आपको याद होगा 2013 में जॉली LLB आई थी जिसमें अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और मोहन ईरानी ने बहुत ही मंझी हुई मूवी बनाई थी। सामाजिक व्यंग्य थी, कोर्टरूम ड्रामा, बहुत तारीफ भी थी, मीम्स कल्चर में भी इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग किया गया था। उसके बाद आई स्टेट वर्सेज जॉली LLB 2 2017 में। अक्षय कुमार ने अरशद वारसी को रिप्लेस किया और उनके स्टारडम से इस मूवी को फायदा हुआ और क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई। अब फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट आ रहा है जिसका नाम है जॉली वर्सेज जॉली। इसमें दोनों जॉली एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इससे पहले दोनों बच्चन पांडे में आ चुके हैं, बट बच्चन पांडे में अरशद का रोल थोड़ा साइड किक का था, बट यहाँ पर दोनों जॉलीज को स्ट्रांग करेक्टर मिलने वाला है। यानी केस कुछ ऐसा है जहाँ पर दोनों वकील एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जिरह करेंगे। इसके डायरेक्टर सुभाष कपूर, जिनकी महारानी पार्ट 2 आ रही है, ऑलरेडी काफी अप्रिशिएटेड डायरेक्टर हो चुके हैं। उनकी पिछली मूवी मोगुल हो चुकी है होल्ड, जो कि गुलशन कुमार की बायोपिक थी। बल्लाल सिंह चड्ढा की नाकामयाबी ने आमिर खान को बाहर करवा दिया और सुभाष कपूर को टाइम मिल गया है जॉली LLB के तीसरे पार्ट पर काम करने के लिए। तो दोनों की ट्यूनिंग बहुत सेट है अक्षय अरशद वारसी की, दोनों को स्क्रिप्ट पसंद आ चुकी है, नरेशन दोनों ने ले लिया है और अब इसकी स्क्रिप्टिंग लोकेशन के बाद प्री प्रोडक्शन का काम चालू हो चुका है और कहा जा रहा है कि दोनों एक लंबे आइडिया में जो डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल कैंपेन को, वो फाइनली इसमें टच हो चुका है और प्रासंगिक मामला यानी आजकल के दौर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जिस तरह से जॉली और जॉली की दोनों कहानियां कोई आतंकवाद की थी, कोई हिट एंड रन मामले की थी, यहां पर थोड़ा पॉलिटिकल एंगल आ सकता है। तो 2023 में इसकी शूटिंग की शुरुआत होने वाली है बड़े मियां छोटी मियां के बाद। इसके बाद अरशद और अक्षय करेंगे जॉली वर्सेज जॉली। इस मूवी की खास बात यह कि इसके सारे किरदार बहुत फेमस हैं, फिर चाहे वो वकील साहब का हो या पुलिस वाले का हो या जज का हो या फिर वकीलों का हो। यानी मूवी थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक भी और थोड़ा थोड़ा कमर्शियल भी है। ऐसी मूवी बॉलीवुड में बहुत कम बनती है जहाँ पर दोनों का प्रॉपर बैलेंस हो। तो अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट से बाहर जॉली वर्सेज जॉली क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्लस अरशद वारसी का जो डूबता हुआ सितारा है, क्या जॉली के साथ स्टैब्लिश हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। बिकॉज जब जॉली का पार्ट 2 बन रहा था तब अरशद वारसी ने बहुत नेगेटिव खबरें की थी और उन्होंने कहा था उनको काफी बुरा लग रहा है रिप्लेस होते वक्त, बिकॉज उन्होंने जॉली के लिए बहुत मेहनत की थी, बस स्टारडम के चक्कर में अक्षय ने उनको रिप्लेस कर दिया। बट लगता है अब दोनों की ट्यूनिंग सेट हो चुकी है और जॉली वर्सेज जॉली में दोनों ही त्यागी साहब अपनी अपनी कलाकारी से कोर्ट रूम में मनोरंजन फिल्म को बनाएंगे। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।